गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट एल्गा क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर एल्गा रीडर बुक ओके एंड ओपन पेज नंबर 69. स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4. आज हम कौन सा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट 4. ओके स्टूडेंट्स, इस यूनिट में आज हम न्यू ब्लेंड सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट व्हेन वी जॉइन टू लेटर साउंड्स टुगेदर इट बिकम्स वन साउंड. ओके, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग, है ना. जब हम दो साउंड्स को, ये वन साउंड, ये कौन सी साउंड है? बी. बी की साउंड क्या होती है? ब. एंड दिस इज आर. आर की साउंड क्या होती है? र. तो जब हम इन दोनों साउंड्स को एक साथ बोलेंगे तो इसकी साउंड क्या बनेगी? ब्र. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दीज वर्ड्स. ओके, ये वर्ड्स किससे बने हैं? ब्र ब्लेंड साउंड से. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ब्र ब्रेड, ब्र ब्रिज, ब्र ब्रिक, ब्र ब्राउन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड दीज वर्ड्स अगेन. ओके, नाउ दिस इज क्र ब्लेंड. व्हाट इज दिस ब्लेंड? क्र. ये क्या साउंड है? सी की साउंड क्या होती है? क. और दिस इज र. तो इन दोनों को जब हम ब्लेंड करेंगे तो इसकी क्या साउंड होगी? क्र. और क्र साउंड से ये वर्ड्स हम बनते हैं. ओके, नाउ यू विल रीड दीज वर्ड्स लॉन्ग विद मी. ओके लेट्स स्टार्ट. क्र क्राउन, क्र क्रियॉन, क्र क्रिकेट, क्र क्रो. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने कौन से ब्लेंड सीखे? ब्र ब्लेंड एंड क्र ब्लेंड. नाउ यू ऑल नो, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये वर्ड्स बोलते हुए अपनी वीडियो सेंड करनी है. ओके, यू विल रीड दीज वर्ड्स ब्र ब्लेंड वर्ड्स एंड क्र ब्लेंड वर्ड्स. ओके, और इसकी वीडियो बनाकर आप ग्रुप में सेंड करेंगे. अंडरस्टैंड? ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड सम हॉल वर्ड्स. ओके, नाउ अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे. ओके, रीड दीज हॉल वर्ड्स विद मी. वॉन्ट्स, आप भी बोलिए सर. वॉन्ट्स. नेक्स्ट हॉल वर्ड इज देन. What is this? Then. Know. Know means जानना. ठीक है, बोलिए सब. Know. Next hall word is will. Will. Students, ये सब hall word हम पहले कर चुके हैं ना. ये आपका recap है. Okay, revision है ये आपकी. Will. These. What is this? These. अब मैं आपको कुछ new words बताऊंगी. Okay? Now you will write these new words in your notebook. अब जो new words हैं वो आप अपनी notebook में write down करेंगे और उनकी spelling भी learn करेंगे. Understand? Every. E-V-E-R-Y. Every. स्टूडेंट्स रिपीटेड. ई वी ई आर वाई एवरी. प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक. ओके डन. नाउ नेक्स्ट न्यू वर्ड इज, नेक्स्ट न्यू वर्ड से पहले आप इसका ये सेंटेंस भी राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में. ओके, एवरी एक हॉल वर्ड है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ज़रूरी नहीं है आप यही सेंटेंस बनाएं, आप अपने आप भी कोशिश करेंगे एक न्यू सेंटेंस बनाने की. ओके, ही ड्रीम्स अबाउट देम एवरी नाइट. स्टूडेंट सेंटेंस कैसे बनता है? जो हमारा न्यू वर्ड है वो वर्ड जो है वो हमारे सेंटेंस में आना चाहिए. ओके, इसका मतलब आपने वो वर्ड यूज़ करके ये सेंटेंस बनाया. ओके, ही ड्रीम्स, वो सपना देखता है अबाउट,
किसके बारे में? अबाउट दैम एवरी नाइट, हर एक रात को, एवरी नाइट. ओके, नाउ फिल दिस ब्लैंक. आई कैन रीड डैश वर्ड ऑन दिस सेंटेंस. नाउ फिल दिस वर्ड. आई कैन रीड एवरी वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस मीन्स, आई मीन्स मैं इस सेंटेंस में एवरी वर्ड, हर एक वर्ड रीड कर सकता हूँ. ओके, आप ये सब वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हिमसेल्फ. हिमसेल्फ, राइट दिस स्पेलिंग इन योर नोटबुक, हिमसेल्फ. नाउ द सेंटेंस इज ही कैन सी हिमसेल्फ ऑन द पैराशूट. ही कैन, ही के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? हिमसेल्फ, मतलब वह अपने आप को. ही के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? हिमसेल्फ. बट अगर यहाँ शी होता, शी किसके लिए यूज़ करते हैं? आप गर्ल के लिए, और ही यूज़ करते हैं बॉय के लिए. ओके, तो ही के साथ हिमसेल्फ, बट अगर शी होता यहाँ तो शी के साथ होता है हरसेल्फ. अंडरस्टैंड? नाउ फिल इन द ब्लैंक. कैन ही राइड अ साइकिल हिमसेल्फ. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अक्रॉस. अक्रॉस द सेंटेंस इज ही इज फ्लाइंग अक्रॉस इंडिया. ही इज फ्लाइंग अक्रॉस इंडिया. फिल इन द ब्लैंक इज आई विल ट्रेवल ऑल डैश द वर्ल्ड. आई विल ट्रेवल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आज आपके 3 न्यू वर्ड्स हैं जो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, उनका सेंटेंस लिखेंगे और फिलअप भी करेंगे. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट अ स्टोरी. ओके, अब हम एक स्टोरी की रीडिंग करेंगे. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी? ये इसका टाइटल है. ओके, जो स्टोरी नेम होता है उसको क्या कहते हैं? टाइटल. स्टोरी का टाइटल क्या है? काव्याज नेक्स्ट ट्रिप. ओके, नेक्स्ट ट्रिप, ट्रिप का मतलब कहीं पिकनिक पर जाना. ओके, आप इसमें देखिए, काव्या के पास एक अटैची है, बैग है. ओके, मतलब ये कहीं जा रही है. ओके, एंड ऑथर नेम इज विश्वनाथ वैद्यनाथन. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आप ये स्टोरी रीड करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. काव्या लाइक्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. शी हैज़ ऑलरेडी विजिटेड जापान, श्रीलंका एंड नेपाल. ओके, मतलब काव्या को पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, और वो ऑलरेडी कहाँ कहाँ जा चुकी है? जापान, श्रीलंका एंड नेपाल. वेयर शुड आई गो नेक्स्ट, शी थिंक्स. अब वो सोच रही है कि वो नेक्स्ट कहाँ उसे जाना कहाँ चाहिए, नेक्स्ट ट्रिप में उसे कहाँ जाना चाहिए. ओके, हर मदर कुक्ड हर नूडल्स वन डे. उसकी मम्मा ने एक दिन नूडल्स बनाए. हर फादर गेव हर चॉपस्टिक, और उसके पापा ने उसे खाने के लिए क्या दिया? नूडल्स खाने के लिए चॉपस्टिक्स दी. शी हैड फन ट्राइंग टू ईट विद देम. व्हेन इट वाज काव्यास बर्थडे, हर फ्रेंड गिफ्टेड हर अ चोंगसैम. शी लव्ड इट. हर टीचर टोल्ड हर अबाउट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. कैन यू टेल विच प्लेस इज शी गोइंग टू नेक्स्ट? अब स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि इसमें कहाँ की बात हुई है. ये शी इज़ गोइंग टू चाइना. अब देखिए, चॉपस्टिक और यहाँ किस चीज़ की बात हुई थी? नूडल्स. ये सब चीज़ें कहाँ से रिलेटेड हैं? चाइना से. ओके, तो आप इसमें यही बताएंगे कि यहाँ पर किसकी बात हुई है? चाइना की बात हुई है. ओके, फाइनली वो कहाँ गई? चाइना गई.
और पहले वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुकी है, जापान, श्रीलंका एंड नेपाल। तो इसमें डिटेल्स आप यही फिल करेंगे जहाँ जहाँ वो विजिट कर चुकी है और वो नेक्स्ट अपनी ट्रिप पर कहाँ गई। ओके, ये आपकी इसकी डिटेल होगी। सो स्टूडेंट्स रीड दिस स्टोरी। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ इन ग्रामर यू विल रिवाइज व्हाट इज नाउन, वर्ब एंड एडवर्ब। बच्चों नाउन क्या होते हैं ये आपको पहले भी बताया हुआ है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी एनिमल का नाम और किसी भी जगह का नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे रुड़की, सहारनपुर, दिल्ली, डॉग, कैट या चेयर, टेबल या डॉग, कैट, ये सब क्या है, ये एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग के नेम है। तो इनको हम क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब है वर्ब्स। वर्ब्स क्या होता है, एक्शन वर्ड्स टेल अस व्हाट द पर्सन इज डूइंग, दे आर आल्सो कॉल्ड वर्ब्स। एक्शन वर्ड जो होते हैं, एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जंपिंग, डांसिंग, ईटिंग, वीपिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब एक्शंस हैं ना, जो काम हम कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब ये एडवर्ब्स क्या हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन। जो हमारा वर्ब है, जैसे ईटिंग, ईटिंग एक वर्ब है। अब हम ईटिंग कैसे कर रहे हैं, स्लोली। तो वो हमारा जो हमें एक्शन का बताता है कि हम एक्शन कैसे कर रहे हैं, वो हमारा एडवर्ब होता है। ओके, अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, टिम इज़ हैप्पीली गोइंग ऑन अ ट्रिप विद हिज फैमिली। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, इसमें नाउन क्या है, कोई नेमिंग वर्ड नाम होता है ना नाउन, तो टिम, टिम एक पर्सन का नेम है तो वो हो गया हमारा नाउन। अब इसमें एक्शन क्या है, टिम क्या कर रहा है, गोइंग, जा रहा है, तो गोइंग क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। अब वो गोइंग कैसे कर रहा है, हैप्पीली, तो हैप्पीली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। ओके, ये है हमारा नेमिंग वर्ड, नाउन, वर्ब एंड एडवर्ब। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये टेबल जो है ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे आप। ओके, जल्दी से आप ये टेबल अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, मैं आपको इसकी अभी पिक सेंड करूँगी, तब आप वो ड्रॉ करेंगे। देन आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस की पिक अभी मैं सेंड करूँगी, वो आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे और इनमें से आपको नाउन, जो नाउन का कॉलम है उसमें आप नाउन लिखेंगे, जो वर्ब्स का कॉलम है उसमें वर्ब्स लिखेंगे, जो एडवर्ब का कॉलम है उसमें आप एडवर्ब लिखेंगे। ठीक है, इन सेंटेंस में आप देखेंगे नाउन कौन से हैं, वर्ब कौन से हैं और एडवर्ब कौन से हैं, और फिर आप उसमें कॉलम में आप उसको फिल करेंगे। अंडरस्टैंड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब मुझे जल्दी से बताइए, आप एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ। ओके, व्हाट डू आई सी इन द पिक्चर, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, ये बॉय क्या कर रहा है, जल्दी से माइंड में सोचिए, ये बॉय क्या कर रहा है, एक लिस्ट बना रहा है ना। यस, अ बॉय इज मेकिंग अ लिस्ट। ओके, आपसे एग्जाम में भी ऐसे ही कोई पिक्चर दिखाएंगे, फिर उस आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, अ बॉय इज मेकिंग अ लिस्ट। अब ये लिस्ट देखिए, ये किस बारे में लिख रहा है, प्लेसेस इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ही हैज रिटन ऑन द लिस्ट, वो लिस्ट में क्या लिख रहा है, दीज आर ऑल प्लेसेस इन चाइना। ये देखिए सब ये चाइना के प्लेसेस हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द पिक्चर मोस्टली अबाउट, पिक्चर किसके बारे में है, द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट प्लानिंग अ ट्रिप टू चाइना। हम लिस्ट क्यों बनाते हैं, हमने कहीं जाना है तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं ना कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट डैश, तो उस पिक्चर के बारे में आप उसमें बताएंगे कि ये पिक्चर किससे रिलेटेड है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब आप अपना होमवर्क नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। योर फर्स्ट होमवर्क इज यू विल रीड ऑल दीज वर्ड्स एंड मेक योर वीडियो। योर सेकेंड होमवर्क इज आई विल सेंड यू
द पिक्चर ऑफ दिस सेंटेंस. आपको मैं ये पिक्चर सेंड करूँगी और आपने आप ये कॉलम बनाएंगे अपनी नोटबुक में और इसमें ये फिल करेंगे. ओके, नाउन वर्ब्स एंड एडवर्ब्स. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क. थैंक यू.